संबत सात में सड़सठ साल हो कितने साल के हुए क्या बताऊंगे कितने साल के इसमें थोड़ा लिखा कि किस साल पैदा हुए थे पिताजी के चार बेटे हैं। अब मैं लिखूंगा जैसे पूछता रहा हूँ मैं वैसे बताते हूँ कितनी देर में लिख भी देता हूँ आपने टाइम खराब कर दिया था कहाँ भी हमने देखे जाडोल के हमारे अरे भाई लग नहीं रहा फोन कब नारायणा के हमारे यहाँ पूछे तुमने यहाँ कब या तो मैं पूछूं ऐसा बताओ हेलो और या आप बताओ मैं मैसेज लिख दूंगा पूछो आप हेलो आप बोलो आपके बताने के हिसाब से मैं लिख नहीं पाएगा जैसा मैं पूछूं आप मुझे क्या नाम आपका कितने भाई हैं आप सगे चार बड़े कौन देवराज देवराज जी बाबूलाल जी देवराज जी छोटे बाबूलाल जी छोटे भाई हैं उनका बाबूलाल जी कैसा बोला आप तो यहाँ और एक यशोदा अंदर वो फोन का फोन काम नहीं कर रहा है तो फोन दे दे उसको पिताजी का नाम गोपाल जी उसमें आवाज नहीं आओ चांदना को तो क्या पूछा गया तुम्हें गोपाल जी के पिताजी का नाम अलूदिया जी का कितने लड़के हैं सुरेश पवन छोटे पवन कौन सा छोटा दिनेश आ जाओ देखिए फिर हमें फोन कर दो बता दो क्या आया करके हमारे बहुत बिगे हमारे क्या गोद है तीन ही लड़के तीन ही लड़के लड़की कितनी लड़की नहीं बोलो आप ये तो मैं तो पूछ लिया वो आप मना कर दिया कर दिया कैरोला जी की शादी नहीं हुई उनसे बात करो ना लड़कों की शादी तो बता रहे लेकिन उनके पिताजी की शादी नहीं बता रहे क्या नाम इनकी माता जी का दिनेश जी की माता कैरोला जी की पत्नी का नाम वहाँ रहते हैं ये बैरोला जी सुरेश जी का शादी हो गई सुरेश जी का कितने लड़के हमारे नहीं होंगे तो भेज देंगे एक लड़का एक लड़का कौन है क्या नाम लड़के का नाम सुरेश जी का लड़का
लड़का है नहीं कोई लड़का थे उनके नाम का पता नहीं लड़का छोटा है लड़की बड़ी बहुत टाइम लगा रहे दूसरी मैं जो पूछूं वो जवाब दो लड़का लड़के का क्या नाम मोनू चौथी लड़की का नाम अनु एक लड़का एक लड़की अनु की माँ का नाम तंती आठवीं सात बहन है अच्छा जी पवन जी का कितने लड़के पवन जी का एक लड़की तो मोबाइल नंबर सीताराम जी के पिताजी का नाम क्या नाम पवन जी के लड़के का पवन ने लड़की है पवन जी का हाँ क्या नाम बेटा आपका लड़का भी है लड़की भी है लड़का है लड़का नहीं है कोई हाँ एक लड़की हूँ मैं यही तो पूछ रहा हूँ आप लोग क्या वंशिका वंशिका की माँ का नाम और आपकी दीपिका 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 अच्छा जी इनका दिनेश जी का इधर बेटा रामलाल जी का क्या नाम अच्छा जी बाबूलाल जी का कितने लड़के बाबूलाल जी के लड़के क्या नाम अरे जरा मेरा नाम देख लेते दोनों ही बता देना पहले उसका थोड़ा ऊपर हो जाओ ठीक है बाबूलाल जी का लड़का क्या नाम रोहित छोड़ दो आप रोहित लिखो रोहित पिताजी कितने भाई हैं रोहित से छोटा बड़े कौन हैं काका जी गोपाल जी जसवंत से छोटा गोपाल जी के कितने बेटे हैं देवेंद्र देवेंद्र से छोटा प्लस तीन ही लड़की कितनी बाबूलाल जी का नहीं है देवेंद्र जी की माँ का नाम गोपाल जी का चंद्रकला बोल दिया किसी को बच्चा खुशी है शादी होगी रोहित जी की रोहित जी की पत्नी का नाम दीपिका दीपिका गोपाल जी की बेटी का नाम नाम नहीं आ रहा दूसरी जसवंत जी की शादी हो गई उनके बच्चे हैं नहीं है उनकी पत्नी का नाम नीलम नीलम सारा काम खराब कर दिया तुमने गधे पे फोटो का भी थे बहुत ध्यान रखो इनकी माँ मौजूद है भाई रहते हैं बस ये करवा रहे देवेंद्र जी का किसका फूल लाए शादी नहीं हुई बाबूलाल जी का मकान आए हो शंकर जी का कितने लड़के चार एक ही लड़का है क्या नाम टीकम चंद बड़ी पत्नी से कौन बच्चा है बड़ी लड़की का दो दो बच्चा है टीकम चंद और लड़के इनकी इनकी माँ मौजूद है इनकी की टीकम चंद की दूसरी पत्नी से लड़का है लड़की कितनी लड़की है क्या नाम पूजा पूजा अनामिका अनामिका छोटी छोटी बेटा
अंतिमा, इसकी माँ का नाम अंतिमा की, क्या नाम मौजूद है वो? कौन गोती? इसका नाम संतोष। गांव टीकम चंद की कहाँ रहते हैं शंकर जी? गांव में रहते हैं। और कौन आया? टीकम चंद की शादी हो गई? नहीं, इनकी क्यों, इसकी बहन की छुट्टी। अच्छा, आपके कितने लड़के बनवाए लाल जी? तीन लड़के। भैया एक कागज दे दिए कोटे का। माया से छोटी, संजना से छोटी, उनकी माँ का नाम हमारे यहाँ शिवपुरा को बुरा मत मानना मेरी बात का, ज्यादा बोलने वाला आदमी गलत करा देता है। और मैं आपसे शुरू में ही पूछा आप कहाँ रहते हैं, पहले भाम लाई वो कहा तुम्हारा भाड़ा दे बबलो या नहीं है लिख दियो भाई खराली के गुज्जर चार्ज ने हो गया छोड़ो खड़े जाओ अरे कागज दे दे एक साथ भट जी एक ये भी लिख दियो बामला।